आज की सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बो बॉक्स, डिपेंडिंग कॉम्बो बॉक्स, राइट। आपके सामने डेटा है, कंपनी का एरिया है एंड सिटी का सर्विस। लीजिए करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्लान बना रही है, मैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लिया हुआ है, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, ये बड़ा बड़ा फॉर्म है, पहले मैं बता दूँ करना क्या चाहता हूँ। करना चाहता हूँ जैसे मैंने सर, आपको, इसमें से यूनिक लिस्ट आना चाहिए सिटी का। स्क्रीन नहीं आ रहा है इस पे। सुन नहीं आ रहा है, एक मिनट दीजिए। हाँ, हेलो, स्क्रीन आया सर? नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है अभी पूरा। संदीप जी आपको आया? यस सर, अब आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे पुणे सेलेक्ट किया, नोएडा सेलेक्ट करूँ, तो इसके आगे मुझे सिर्फ नोएडा और पुणे का ही टेबल दिखना चाहिए, ठीक है। और जो एरिया सेलेक्ट करूँ उसी का सब एरिया यहाँ दिखना चाहिए, मुझे तो कुछ ऐसा फॉर्म बनाना है। तो चलिए ये जो फॉर्म जाते हैं, ये जो फॉर्म बनवा लेता हूँ मैं। अब इस पे मैं यहाँ टूल्स में जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स वन लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स टू, जो चेक बॉक्स था माफ कीजिएगा, कॉम्बो बॉक्स। और इसके नीचे मैं लिस्ट बॉक्स खोल लेता हूँ, ठीक है। और इसका हेडिंग भी दे देता हूँ, टाइटल। फिर सेलेक्ट और यहां देता हूं सेलेक्ट एरिया और नीचे देता हूं सेलेक्ट सब एरिया। ठीक है, अब सबसे पहले कि मैं फॉर्म ओपन करूं तो किस सिटी लिस्ट आना चाहिए, और यहाँ सिटी में कई बार रिपीटेड है तो रिपीटेशन भी नहीं होनी चाहिए।
मैं फॉर्म पे डबल क्लिक करूंगा और यहां इन स्लाइड्स पे जाऊंगा, यहां लिखूंगा डिम सिटी एज ए न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन के बारे में बता चुका हूं मैं पहले, टू टू रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो। उसके बाद यहां पे करेंगे हम सिटी डॉट एड, ऐड करना है तो सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू कॉमा सी एस सी आर, इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे और लिखेंगे सेल्स आई कॉमा वन। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और फिर आएगा नेक्स्ट आर, फिर यहां देंगे फोर आइटम इन सिटी। ठीक है, और यहां पे देंगे हम मी डॉट कॉम्बो वर्क्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम और यहां पे नेक्स्ट आइटम। अब इसको प्ले कीजिएगा, सॉरी बेसिकली इसमें एक से ज्यादा बैज नहीं आएगी, तो यहां पे लिखेंगे हम ऑन, जब भी कलेक्शन देते हैं तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट जरूर देते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे रन होगा, तो हमारे इस कॉम्बो बॉक्स में एक मिनट उदयपुर आया, सॉरी सॉरी यहां पे डॉट एड आइटम करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसा दिक्कत आ गया। अब मैं नोएडा सेलेक्ट करूं तो सामने नोएडा आना चाहिए, तो एक कब होना चाहिए जब इसमें वैल्यू चेंज होगी तो इसमें होना चाहिए, तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे ताकि चेंज पे क्या हो गया
कॉम्बो बॉक्स वन डॉट चेंज, ये जो है चीजें ये सेम चीजें यहाँ पे रहेगी। इसमें चेंजिंग क्या होगा वो देखिए, चेंजिंग यहाँ होगा कि इफ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, ऐसा हो तो देन तो दूसरी कॉलम की वैल्यू ऐड करनी, और यहां पे हम एंड इफ कर देते हैं, और यहां कॉम्बो बॉक्स वन की जगह कॉम्बो बॉक्स टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पुणे किया, यहाँ पे देखिए सिर्फ पुणे का एरिया आया हुआ है, लेकिन दिक्कत है अभी पुणे का एरिया लिखा है, और जैसे मैं चेंज करूंगा नोएडा में, तो यहाँ देखिए पुणे का भी रहेगा और साथ में नोएडा का भी एरिया ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, प्रीवियस, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि मैंने मेरा कोड कब रन कर रहा है, ये जो कोड है कब रन कर रहा है, जब चेंज हो रहा है, जितना बार चेंज होगा उतना बार रन होगा, उतना बार वैल्यू को ऐड करेगा। तो इसके लिए मैंने यहां पे स्टार्टिंग में सबसे पहले लिख दूं कि मी डॉट कॉम्बो बॉक्स टू डॉट क्लियर, तो क्या होगा कि प्रीवियस वैल्यू को क्लियर कर देगा, मतलब कि एक पुणे सेलेक्ट किया तो यहां पे जो पुणे का डेटा आ रहा है, तो जैसे मैं यहां पे नोएडा सेलेक्ट करूंगा पहले, तो इसमें एरिया वाले कॉलम बॉक्स टू कॉमो बॉक्स टू में से पुणे का एरिया को डिलीट करेगा, फिर नोएडा के एरिया डालेगा, राइट। ऐसे आपको लिस्ट बॉक्स में करना है तो मुझे कॉमो बॉक्स में जाके चेंज करना पड़ेगा, इस पे डबल क्लिक किया और जो कोड मैंने ऊपर डाला था वही कोड यहां, नहीं जो कोड ऊपर डाला है यहाँ वही कोड इसमें होगा, बट छोटा सा एक चेंजिंग होगा, ये आ जाएगा कॉम्बो बॉक्स टू की जगह पे कॉम्बो बॉक्स थ्री, और यहां हो जाएगा कॉम्बो बॉक्स वन की, सॉरी इधर ही रहेगा कॉम्बो बॉक्स वन, और यहां पे लगेगा कंडीशन की एंड मी डॉट कॉम्बो बॉक्स टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स, और यहां पे आई कॉमा टू कर देता हूं डॉट वैल्यू, ऐसा हो तो ये तीसरे कॉलम का डेटा सिटी पे ऐड करेगी, और यहां लिस्ट बॉक्स थ्री में ऐड होगा, मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन जो है उसमें ऐड आइटम होगा, और यहां पे भी आपका कॉम्बो बॉक्स थ्री क्यों नहीं है, तो यहां पे होगा लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर। आप देखिए प्ले कीजिए, अब यहां पे पुणे, यहां पे एरिया सेवन, और यहां पे एरिया सेवन। तो संदीप जी, शहनवाज जी, एनी डाउट्स? नो सर, अब इसको करेंगे उसके बाद, ओके। क्योंकि ये वीडियो में देखा, ऐसा कोड वीडियो में देखा था मैंने। अब एक कॉस्ट टू देखिए, हमारे डेटा में यहाँ पे एक रेडिफ कंट्रोल होता है, ये देख लीजिए रेडिफ कंट्रोल में काम क्या होता है कि मैं इसे क्लिक करके अगर यहाँ डिजाइन कर दूँ तो क्या करेगा कि जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मैं इसमें से अपना एरिया इनपुट करवा सकता हूँ, जैसे फॉर्मूले वगैरह में होता है ना उस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कॉमो बॉक्स बना रखा है कि ए ले लिया, और यहाँ पे मैंने मैक्स और मिन दो फॉर्मूले ले लिए, और यहाँ पे रिजल्ट के लिए यहाँ पे लेवल टू ले लिया, और मैंने कोड क्या किया देखिए कि इफ मी ऑप्शन बटन डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू हो तो ए इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और मैक्स का रेंज क्या दे दिया कि मी डॉट रेडिफ वन डॉट वैल्यू,
मतलब रेडी बॉन्ड में जो सिलेक्शन होगा वो ऑरेंज का एड्रेस बन जाएगा, उस एड्रेस का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के वो ए पे रखेगा, और फिर लेवल टू का कैप्शन ए हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे कोई नंबर डालूं तो फिर आपको समझ में आएगा कि कर क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको प्ले करता हूं। मैंने इस पे क्लिक किया और एड्रेस को चेंज सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया। जैसे मैक्सिमम पे क्लिक किया मैंने, यहां देखिए इसका 96 मैक्सिमम वैल्यू शो कर गया। समझ आया सर? लेकिन ये सर करोगे तो पता चलेगा। फाइल में आपको भेज दूं? हेलो, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं। और कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है सर। नहीं है? ठीक है, इसको बनाइए, कल हम आपको लिस्ट बॉक्स ऑटोमेशन का क्लास में देंगे। ठीक है,